दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल कृष्णा फैंटेसी में। एंड आज हम बात करेंगे वुमेन्स T20 कप के मैच के बारे में जो कि यहाँ से खेला जाएगा केरला वुमेन वर्सेस तमिलनाडु वुमेन के बीच। दोस्तों ये मैच आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रंप प्लेयर होने वाले जिनका सेलेक्शन जो है वो ना के बराबर है और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन करवा देंगे। कौन से वो प्लेयर होने वाले, साथ ही साथ में कौन सा बैट्समैन का बैटिंग करेगा, कौन सा बॉलर का बॉलिंग करेगा, सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हो। दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्दी से आइए, लिंक पर क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर मैं आपको रीसेंट मैचेस का रिजल्ट भी बताऊं तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर मैचेस में यहाँ पे क्लीन स्वीप ही करा है। दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी टीम के बारे में, तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, जो भी भाई नए हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो यार YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यार एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। उम्मीद करता हूँ अब तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बात करिए हमारी टीम के बारे में, विकेट कीपर में वी शिबू का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। अगर इनके हम बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करें वो आपको काफ़ी ज़्यादा नीचे तकरीबन नंबर 7 पे आपको नज़र आने वाला है। वहीं एम सबरीना के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, इनके बैटिंग ऑर्डर के बारे में, इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा और नीचे नंबर 8 पे नज़र आएगा। यहाँ पे दोनों में से आप किसी को भी अपनी टीम में रख सकते हो, जिसकी टीम पहले बैटिंग करती है अगर उसे रखोगे तो मुझे लगता है वो अच्छा परफॉर्म करके दे सकता है। फिलहाल मैं शिबू को लेकर चल रहा हूँ, बट तमिलनाडु वुमेन पहले बैटिंग करेगी तो मैं सबरीना के साथ जाना पसंद करूँगा। यहाँ पे टी मुर्गेसन का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। दोस्तों अगर इनके बैटिंग ऑर्डर के बारे में हम बात करें, किस नंबर पे आपको ये बैटिंग करते हुए नज़र आने वाली है, इम्पोर्टेंट है नहीं इम्पोर्टेंट, वो भी अपडेट मैं कर देता हूँ। दोस्तों इनका जो बैटिंग ऑर्डर रहने वाला है वो नंबर 3 पे रहने वाला है। लास्ट मैच के बारे में अगर हम बात करें तो 30 रन इन्होंने करे थे, और अगर उससे पहले मैं बात करूँ 12 रन इन्होंने करे, 8 रन इन्होंने करे, फिर एक वनडे मैच में इन्होंने शतक भी लगाया था, 6 रन भी इन्होंने करे, 62 रन भी करे, तो बैटिंग कर सकती है और परफॉर्मेंस ठीक रहा है, तो मैं इनको लेके चल रहा हूँ। एस चंद्रशेखर के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, ओपन करते हुए आपको नज़र आने वाली है। लास्ट मैच के बारे में बात करूँ 8 रन पे आउट हो गई थी, उससे पहले 37 रन करे, 48 रन इन्होंने करे, 6 रन करे, 55 रन इन्होंने करे, 54 रन करे, बॉलिंग भी करवा लेती है, इसलिए मैं इनको भी अपनी टीम में फ़िलहाल लेके चल रहा हूँ। अक्षय का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। दोस्तों अगर बैटिंग ऑर्डर के बारे में हम बात करें, किस नंबर पे आपको बैटिंग करते हुए नज़र आएगी, तो ओपन इन करते हुए नज़र आने वाली है। लास्ट रन में 23 रन इन्होंने करे थे दोस्तों, और आपके लिए एक मस्त ऑप्शन है, मुझे लगता है आप इनको अपनी टीम में लेके चल सकते हो। आई दृश्य का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, लेकिन ये थोड़ी सी मुझे रिस्की प्लेयर लगती है दोस्तों। नंबर 3 पे ये बैटिंग करते हुए नज़र आएगी, लास्ट रन में 1 रन पे वैसे ही आउट हो गई थी, उससे पहले 19 रन इन्होंने करे, 15 रन करे, 59 रन इन्होंने करे, 84 रन इन्होंने करे दोस्तों, 0 रन करे। ये 59 और जो 84 करे ना, ये T20 की इनिंग्स है, तो भाई रन बना भी सकती है, ग्रैंडली खेलो, जरूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे पोनू कुठन का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। नंबर 4 आपको बैटिंग करते हुए नज़र आने वाली है। लास्ट मैच में 19 रन इन्होंने करे, उससे पहले 62 रन करे, फिर 14 रन इन्होंने करे, 22 रन करे, 18 रन करे, तो इनका भी ठीक ठाक फॉर्म रहा है, आप इनको भी अपनी टीम में चाहो तो ट्राई करके चल सकते हो दोस्तों। इनके अलावा यहाँ पे ए चौधरी का ऑप्शन होने वाला है। दोस्तों ओपन करते हुए आपको नज़र आने वाली है। लास्ट मैच के बारे में अगर हम बात करें तो शानदार 70 रन की इन्होंने इनिंग्स खेली थी, और रीसेंट की परफॉर्मेंस के बारे में हम बात करते हैं, उससे पहले किस टाइप का इनका परफॉर्मेंस रहा था दोस्तों, ठीक परफॉर्मेंस रहा था, वहाँ पे भी रन करके आ रही थी लेकिन ज़्यादा बड़ी इनिंग्स नहीं खेल रही थी। अगर आप लास्ट मैच को छोड़ दो, उससे पहले अगर आप 5 मैचेस देखोगे ना, वहाँ पे सिर्फ 16 रन इन्होंने करे हैं दोस्तों, तो फॉर्म थोड़ा सा आउट ऑफ भी रहा है रीसेंट में, तो आप ट्राई कर सकते हो। मैं फ़िलहाल सिर्फ 3 बैट्समैन लेके चल रहा हूँ। टी सानी ऑलराउंडर में आपके पास ऑप्शन है, जो कि ओपन करते हुए आपको नज़र आने वाली है। लास्ट मैच के बारे में बात करें
9 रन पे ही आउट हो गई थी दोस्तों और विकेट नहीं निकाल पाई थी, 0 विकेट इन्होंने निकाले। उससे पहले 11 रन करे, 17 करे, 9 रन करे, 61 रन करे, 36 रन करे, इन 5 मैचेस में अगर आप देखोगे दोस्तों तो 10 विकेट भी इन्होंने निकाले, तो एक अच्छी प्लेयर है, आप रख सकते हो। जी दिव्या का आपके पास ऑप्शन होने वाला है दोस्तों। अगर हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो बैटिंग ऑर्डर रहेगा नंबर 5 पे। लास्ट मैच के बारे में बात करें, 4 रन पे आउट हो गई थी, उससे पहले 13 रन इन्होंने करे, 14 रन करे, 11 करे, 0 करे, 4 रन करे, लास्ट रन में बॉलिंग इन्होंने नहीं करवाई थी। बाकी उससे पहले 5 मैचेस में अगर देखोगे वहाँ पे भी 10 विकेट इन्होंने निकाले थे, तो बॉलिंग करवा के आपको दे सकती है इस मैच में, तो आप इनको अपनी टीम में लेके चल सकते हो। इनके अलावा ई अरुण का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, बैटिंग ऑर्डर रहेगा नंबर 5 पे दोस्तों। लास्ट मैच के बारे में अगर हम बात करें इनके परफॉर्मेंस के बारे में, तो 24 रन इन्होंने करे थे, और अगर उससे पहले हम परफॉर्मेंस देखते हैं इनका किस टाइप का रहता है, तो वहाँ पे इन्होंने 22 रन करे, 2 रन इन्होंने करे, 37 रन करे, 15 रन करे, 4 रन करे, लास्ट रन में बॉलिंग नहीं करवाई थी। उससे पहले 4 मैचेस में देखोगे तो वहाँ पे सिर्फ 2 ही विकेट निकाला था। मैं अभी इनको अपनी टीम में नहीं रख रहा हूँ, अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करती तो ज़्यादा अच्छे ऑप्शन ये होने वाले हैं। एल नित्या का आपके पास ऑप्शन होने वाला है दोस्तों। बैटिंग ऑर्डर आपको नीचे नज़र आ सकता है, और बॉलिंग से अगर हम बात करें किस टाइप का रहेगा, लास्ट मैच में इन्होंने 1 विकेट निकाला था, और लास्ट मैच को छोड़ोगे तो उससे पहले 5 मैचेस में 3 विकेट इन्होंने निकाला था, तो आप ट्राई कर सकते हो। बाकी श्रीनिवासन का ऑप्शन होने वाला है, ये एक अच्छी ऑप्शन बन सकती है, लास्ट रन में 3 विकेट निकाले, और रीसेंट के अगर टोटल 6 मैचेस अगर आप देखोगे ना इनके दोस्तों किस टाइप का परफॉर्मेंस आए, तो उनमें जो है इन्होंने 12 विकेट अभी तक निकाले, तो विकेट टेकर बॉलर है, आप इनको अपनी टीम में लेके चल सकते हो। एल नेत्रा का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, जो कि नंबर 4 पे आपको बैटिंग करते हुए नजर आने वाली है, प्लस बॉलिंग भी करवाती है दोस्तों। लास्ट रन में 3 रन इन्होंने करे, साथ ही साथ में 1 विकेट भी इन्होंने निकाला था। उससे पहले अगर हम परफॉर्मेंस देखें, 21 रन करे और उधर भी 1 विकेट इन्होंने निकाला था, तो एक ट्रम्प प्लेयर होने वाली है, आप इनको लेके चल सकते हो। एस प्रिया का आपके पास ऑप्शन होने वाला है दोस्तों। बैटिंग ऑर्डर आपको नीचे नज़र आ सकता है, और अगर हम बॉलिंग से बात करते हैं दोस्तों कि बॉलिंग से इनका किस टाइप का परफॉर्मेंस रहता है, आपको रखना है नहीं रखना, तो वो भी मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। लास्ट मैच के बारे में बात करें दोस्तों, 3 विकेट इन्होंने निकाले थे, उससे पहले 2 विकेट निकाले, फिर 0 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, तो रिसेंट में विकेट निकाली, और स्पिनर है तो इस पिच पे विकेट निकाल सकती है, इसलिए मैं इनको लेके चल रहा हूँ। जी कीर्ति का आपके पास ऑप्शन होने वाला है दोस्तों। लास्ट रन में ओवर इनके कट गए थे और विकेट नहीं निकाल पाई थी, लास्ट मैच को छोड़ोगे उससे पहले 5 मैचेस में 7 विकेट इन्होंने निकाले, लेकिन यार ये एक ऐसी ऑलराउंडर आप बोल सकती हो कि अगर विकेट निकालेगी ना तो एक साथ निकाल देगी, वरना फिर विकेट लेस चली जाएगी। बाकी शिवा प्रिया का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, लास्ट रन में कोई विकेट ये नहीं निकाल पाई, लास्ट मैच को छोड़ दोगे उससे पहले भी 5 मैचेस में विकेट लेस ही गई थी, तो ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको रखना है दोस्तों। फिलहाल मैं 5 ऑलराउंडर यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। बॉलिंग के बारे में बात करें, एम दर्शाना का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, जिनको आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। लास्ट रन में विकेट नहीं निकाल पाई थी, लास्ट मैच को छोड़ोगे उससे पहले के 5 मैचेस अगर आप देखोगे वहाँ पे 10 विकेट इन्होंने निकाले थे। एम सुरेश का ऑप्शन होने वाला है दोस्तों। परफॉर्मेंस के बारे में हम बात करें किस टाइप का रहेगा, इम्पोर्टेंट है नहीं इम्पोर्टेंट, तो वो भी आपको अपडेट कर देता हूँ। लास्ट रन में इन्होंने 2 विकेट निकाले थे दोस्तों, और टोटल अगर रीसेंट के 5 मैचेस के बारे में हम बात करें तो वहाँ पे 7 विकेट इन्होंने अभी तक निकाले हैं, तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन आपके लिए होने वाली है। इनके अलावा यहाँ पे सुंदरसन का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। अगर हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं किस टाइप का रहेगा, लास्ट रन में 1 विकेट इन्होंने निकाला था दोस्तों, और लास्ट मैच को छोड़ोगे उससे पहले 5 मैचेस में 5 विकेट निकाले, पहले अगर इनकी टीम बॉलिंग करती तो ज़्यादा अच्छे ऑप्शन ये होने वाले हैं। बाकी यहाँ पे एस विनायक का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, लास्ट रन में 2 विकेट इन्होंने निकाले, और लास्ट मैच को छोड़ोगे या फिर टोटल रीसेंट के 5 मैचेस के बारे में हम बात करें तो 6 विकेट इन्होंने अभी तक निकाले। एन रहमान का आपके पास ऑप्शन है, लास्ट रन में 1 विकेट इन्होंने निकाला, और रीसेंट के 5 मैचेस देखोगे दोस्तों वहाँ पे सिर्फ इन्होंने 4 विकेट अभी तक निकाले। मैं यहाँ पे जिनको रखूँगा, सुरेश को रखूँगा और दर्शाना को अपनी टीम में रखूँगा। कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में हम बात करें
जिनको आप इस मैच में अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। कैप्टन देखिए टी सहानी एक अच्छी ऑप्शन होने वाली है, क्योंकि इनका जो परफॉर्मेंस रहा है ना वो अच्छा रहा है, तो मुझे लगता है आप इनको कैप्टन कर सकते हो। वाइस कैप्टन इस मैच में थोड़ा सा मेरा रिस्की रहने वाला है दोस्तों, मैं यहाँ पे एल नेत्रा को एज ए वाइस कैप्टन लेके चल रहा हूँ, जो कि बैटिंग बॉलिंग आपको करते हुए नजर आने वाली है। फिलहाल ये हमारी टीम का प्रीव्यू, आप इस टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो अगर अच्छा लगता हो लाइक करना दोस्तों, यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।